नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में किए गए उड़ान योजना में बिहार के 26 शहरों को शामिल किया गया है, जहां से आने वाले कुछ सालों में अपरिचालित तथा अल्पपरिचालित श्रेणी में रखा गया है। दरअसल राज्यसभा में भाजपा के राकेश सिन्हा ने संसद में यह सवाल पूछा था कि बेगूसराय से विमान सेवा कब तक शुरू होगी, जिसका जवाब देते हुए नगर विमानन मंत्रालय ने राज्य मंत्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा है कि बेगूसराय से उड़ान आरंभ करने के लिए अगर कोई कंपनी आगे आएगी तो सरकार वहां से भी परिचालन शुरू करने पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला की बेंच ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी और यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर हमला किया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष अपने नेताओं को झूठी तसल्ली देकर गुमराह कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी के संसद से निष्कासन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए एक प्रेस वार्ता में कहा है कि कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में बड़ा बयान दिया। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि बिहार हिंदू राज्य बनेगा, बिहार में जल्द हिंदुओं का शासन और राज होगा, तभी बिहार में हिंदू सुरक्षित रह पाएंगे। बिहार में हिंदू संरक्षित नहीं है, यहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिए बिहार सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया था कि अत्यधिक लाभदायक और तेजी से बढ़ता बोतल बंद पानी उद्योग सभी के लिए विश्वसनीय पेयजल की आपूर्ति करने में सार्वजनिक प्रणालियों की विफलता को छुपा रहा है। यह स्टडी दुनिया भर के 100 देशों में की गई थी। यह उद्योग ज्यादातर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के प्रयासों को विचलित करके और कम किफायती विकल्प और ध्यान केंद्रित करके सुरक्षित जल परियोजनाओं की प्रगति को कमजोर कर सकता है। तेजी से बढ़ता बोतल बंद पानी उद्योग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को भी कई तरह से प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। सम्राट चौधरी के अभिनंदन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री के अलावा बिहार बीजेपी के सभी पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी संगठन के महामंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन इस अभिनंदन समारोह में सुशील मोदी नजर नहीं आ रहे थे। इस पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर बताया है, क्योंकि सोमवार को ही राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित होना था और पार्टी का विहिप था कि सभी सांसदों को सदन में रहना अनिवार्य है, इस कारण वो पटना में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। स्मृति ईरानी बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। युवा मोर्चा ने यह कार्यक्रम 2023 विधानसभा में पहली बार हिस्सा लेने वाले वोटरों के लिए रखा गया था। इस दौरान एक लॉ स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि राहुल की सदस्यता रद्द होने का 2024 चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया है, वकील साहब ये बताओ कि कोई क्या बदलाव कर सकता है जब वह हमेशा अनुपस्थित रहता है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को कहा है कि भाजपा गलत फहमी का शिकार न हो। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, गलत फहमी के सिवा और कुछ और नहीं है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बिहार की मिट्टी 2024 में देश का भविष्य लिखेगी। अडानी अंबानी और नीरव मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुकी भाजपा की केंद्र सरकार विरोधियों के विरुद्ध लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा के दिग्गज व ओजस्वी नेता और पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी अपने मां के पद चिन्हों पर चलते हुए राजनीति में एंट्री करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी को भाजपा की कानूनी प्रकोष्ठ का सहसंयोजक नियुक्त किया है। बांसुरी ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आभार व्यक्त किया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यायिक प्रणाली में नई पहल करते हुए हत्या के मामले में जमानत अर्जी पर फैसले में चैट जीपीटी का उपयोग किया। इसके बाद जस्टिस अनूप चितकारा ने दुनिया भर के दृष्टिकोण का हवाला देकर जमानत की मांग को खारिज कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसमें हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे गए सवाल और उसके जवाबों का भी हवाला दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर चेताया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि घुसपैठ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव बढ़ने को संभावित कारण बना हुआ है और भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आज अग्निवीरों का पहला बैच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। आज आईएनएस चिल्का पर इनकी पासिंग
आउट परेड भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह पासिंग आउट परेड INS तिलका पर ट्रेनिंग ले रही 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों की ट्रेनिंग सफल समापन के मौके पर कराई जा रही है। देश में अगले साल यानी एकेडमिक ईयर 2024-25 से सभी क्लास की किताबें बदल सकती हैं। किताबों में होने वाला ये बदलाव पहले से लेकर 12वीं तक के लिए होगा। दरअसल शिक्षा मंत्रालय 2024-25 तक नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत सभी क्लास के लिए नई किताबों को लाने की योजना बना रही है। इन किताबों को क्षेत्रीय भाषाओं में तो उपलब्ध कराया ही जाएगा, साथ ही साथ इन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाया जा सकेगा। 3 सशस्त्र बलों को लगभग 1.55 लाख कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सेना में सबसे अधिक 1.36 लाख रिक्तियां हैं। सोमवार को राज्यसभा को इसकी जानकारी दी गई। एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों की कमी की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और रिक्तियों को भरने और युवाओं को सेवाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों में पूंजी डाले जाने की पहल के तहत 2017-18 में SBI को 8,800 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक ने इस राशि की मांग नहीं की थी। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने संसद में पेश रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। कैग ने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग ने पूंजी डाले जाने से पहले अपने मानकों के तहत पूंजी जरूरत का आकलन नहीं किया। ट्रेनों में सफर करते वक्त AC कोच में अक्सर लोग गंदे कंबल तकिया और चादर की शिकायत करते हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे ने अहम कदम उठाया। रेलवे ने नियम बदलाव करते हुए बताया कि चादर और कंबल को धुलाई के लिए 6 माह से अधिक का समय न दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने IRCTC और रेलवे जोनल को निर्देश दिए। इसके साथ ही चादरों की धुलाई का टेंडर डिवीजन के बजाय नई नीति के तहत रेलवे बोर्ड से होगा। इससे निगरानी को आसान किया जाएगा। इसके लिए डिवीजन लेवल ही जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने दालों के स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कमेटी गठित की। इस कमेटी की अध्यक्षता उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे करेंगे। सरकार का कहना है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में दालों का आयात किया गया है, इसके बावजूद भी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि गैर कानूनी तरीके से भंडारण करने के लिए कोई कमेटी या समिति नहीं है। सरकार के दखल के बाद अब केंद्र सरकार सीधे दाल के स्टॉक की स्थिति को मॉनिटर करेगी, साथ ही जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा की समिति ने राहुल गांधी को 1 महीने के अंदर उनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर राहुल चाहे तो मैं मेरे घर भी आ जाए, मैं उनके लिए अपना बंगला खाली कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं उनको डराने धमकाने और अपमानित करने के लिए सरकार के रवैये की निंदा करता हूं, यह तरीका अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी हम 3-4 महीने बिना बंगले के रहते हैं। मुझे मेरा बंगला 6 महीने बाद मिला। यह लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं और मैं उनके ऐसे रवैये की निंदा करता हूं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वह संपत्ति लेनदेन के लिए स्टाम्प शुल्क दरों में सुधार के लिए वित्त विधेयक में संशोधन पेश करेंगे। इससे लोगों के लिए संपत्ति खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा और इस प्रक्रिया में उनका पैसा भी बचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक में संशोधन पेश किया ताकि वायदा एवं विकल्प अनुबंधों में प्रतिभूति लेनदेन की दर के आंकड़ों को दुरुस्त किया जा सके। अलगाववादी अमृतपाल जिले के अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह थी कि गायक दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब दे के ऐप में घुसपैठ कर वहां चर्चाओं में हिस्सा लिया। बाद में उसी संस्था से मिली जुली संस्था वारिस पंजाब आपदे के नाम से अपने संस्था का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों की माने तो अमृतपाल इस NGO के माध्यम से युवाओं को अपने साथ जोड़कर बाद में उन्हें अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए तैयार करना चाहता था। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इसको लेकर 15 मार्च से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू किया गया है। अब तक यात्रा के लिए 6.51 लाख से अधिक यात्री पंजीकरण कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ के लिए 2,46,983, बद्रीनाथ के लिए 20,815, गंगोत्री के लिए 1,42,000 और यमुनोत्री के लिए 98,668 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए अब तक 6.5 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को दिए गए बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। वह एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी नेता थे और उनको लेकर हमारे दिल में सम्मान की भावना है। CBSE बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में अब प्री प्राइमरी स्कूलिंग का सिस्टम बदलने वाला है। अब तक नर्सरी और KG क्लास की पढ़ाई के बाद बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन मिलता था, हालांकि अब यह पूरा सिस्टम ही बदलने वाला है। दरअसल CBSE बोर्ड ने सभी स्कूलों को नेशनल फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज 2022 को अपनाने को कहा है। बता दें कि इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT द्वारा किया गया है।
भारत में इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होने को है और टीमें अपने अपने कैंप में पसीना बहा रही है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अभी भी कुछ टीम से जुड़ नहीं पाए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी टीमों के बेहद खास हैं। ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि साउथ अफ्रीका आईपीएल के शुरुआत के समय सीरीज खेलेगा। माना जाता है कि आईपीएल के दौरान एक पाकिस्तान ही है जो सीरीज प्लान कर सकता है और लिस्ट में लगातार दूसरे बार साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। इसमें उसके महत्वपूर्ण खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह सीरीज नीदरलैंड्स के साथ है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद ने गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश में पेशी पर लाए जाने को लेकर अपनी जान का खतरा जताया है। उसकी तरफ से टीम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। वकील ने अतीक की जान जाने का खतरा जताते हुए सुरक्षा मुहैया कराए जाने की गुहार लगाई है। अतीक अहमद की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। वकील ने कोर्ट में कहा है कि अतीक की जिंदगी को खतरा है, सीधा और खुला खतरा है, मुझे बचा लीजिए। इस पर कोर्ट के जज ने स्पष्ट कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। मोदी सरकार राज्यसभा में सेल कंपनियों के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं करने के लिए निशाने पर है, क्योंकि यह कहने के बावजूद उनके पास कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने 2018-21 के बीच 238,223 कंपनियों को सेल कंपनियों के रूप में चिन्हित किया था। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 27 जुलाई 2021 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों राजधानी में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर को लेकर बीजेपी और आप के बीच घमासान हुआ था। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल ने मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर 11 भाषाओं में जारी किया। आम आदमी पार्टी 30 मार्च को देश भर में यह पोस्टर लगाने जा रही है। ट्विटर ने बीबीसी पंजाबी पर बड़ा एक्शन लेते हुए इसे भारत में बंद कर दिया है। बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट खोलने पर इस पर अकाउंट विद हेल्ड का मैसेज शो हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीबीसी पर इस तरह का एक्शन लिया गया। इससे पहले भी इसी साल जनवरी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का लिंक शेयर करने पर केंद्र सरकार ने बीबीसी के कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। मुरैना की गजक के चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। अब इसके स्वाद की धाक दुनिया में और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने मुरैना की गजक को जीआई टैग दे दिया है। गौरतलब है कि गजक सर्दियों के दिनों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मिठाई है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गजक का अनुमानित बिजनेस 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मुरैना की गजक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई आदि कई देशों में भेजे जाते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, अर्जुन राम, त्रिलोक कुमार, बाबूलाल मरांडी, एच के मल्होत्रा, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, एम डी साकिर हुसैन, रविशंकर, संगम कुमारी और नौशाद अंसारी। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।